जी KF6, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम दो छोटे से कंसेप्ट्स हैं हमारे वो कवर करेंगे, और फिर उसके बाद ICAP का रिसेंट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है वो हम क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। कंसेप्ट जो आज हमने स्टडी करने हैं वो है अदर वर्किंग कैपिटल रेशियोज। कुछ वर्किंग कैपिटल रेशियोज तो हमने स्टडी कर ली हैं, जैसे कौन कौन सी, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं, तो उसमें हमें वर्किंग कैपिटल रेशियोज के बारे में बता रहा है। जैसे करंट एसेट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी अगर आप माइनस कर दें करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को तो वो बन जाएगा वर्किंग कैपिटल, और अगर आप डिवाइड कर दें तो करंट रेशियो। और करंट रेशियो से ही मिलती जुलती एक और रेशियो भी है जिसे क्विक एसेट रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, सेम करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, लेकिन अब की बार करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को लेस करते हैं, ये रेशियो। और फिर एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसे हमने कल के क्वेश्चन में भी यूज किया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेज में, जब हम डेज में कैलकुलेट करते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेटर डिवाइड बाय परचेजेस, ये हाल है। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंटरी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365, ठीक है। और अगर परचेजेस मौजूद ना हो तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेते हैं उसके प्रॉक्सी के तौर पे। ये फॉर्म इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है, क्या, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमें क्या मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है, ये डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या मैसेज, कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे डेटर्स भी बढ़ेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या मैसेज देता है, कि जैसे जैसे परचेजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेंगी क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमें क्या मैसेज देता है, कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। आपको याद है कल के क्वेश्चन में हमने ये स्टडी किया था कि सेल्स को बढ़ाएं तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है, करंट एसेट्स 140% से बढ़ते हैं और करंट लाइबिलिटीज कितने से बढ़ी थी, 25%, याद है। तो सेल्स बढ़ने से क्या करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, जाहिर है। आपका लेवल ऑफ ट्रेडिंग बढ़ेगा, उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, डेटर्स भी आपके बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, क्लियर, चलिए। अच्छा, अब जो इसमें एप्लीकेशन होगी ना ज्यादातर वो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की होगी, लेकिन चूंकि अदर रेशियोज भी उसने सिलेबस में चंद एक लाइनों में उसने हमें इंट्रोडक्शन दिया इसका, तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ना वो ज्यादा अहम है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, ये तो था कि कुछ और भी रेशियोज हैं जो वर्किंग कैपिटल से रिलेट कर रही हूं, लेकिन ये चूंकि कलेक्टिव रेशियोज हैं, जैसे करंट एसेट रेशियो, ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इकट्ठा करके रेशियो कैलकुलेट होती है, तो नॉर्मली हम जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वो डिटेल लेवल पे कर रहे होते हैं, तो हम करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो की निस्बत डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज्यादा यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमने सीखना है वो क्या है, कि ये अदर रेशियो मैंने आपको बता दें, यूज ऑफ रेशियोज टू फाइंड आउट फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें, आपने मैथ में कंसेप्ट सीखा होगा कि अगर किसी इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स हों और दो आपको मालूम हो ना, तो तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह की कोई बात होती है। अगर आपने डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको कौन कौन सी फिगर्स चाहिए, डेटर और सेल्स,
यानी आप जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर से कैलकुलेट करते हैं, एग्री करते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स दी गई हो, क्या आप रेशियो कैलकुलेट करने के काबिल हैं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको रेशियोज दी गई हो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर कैलकुलेट करने के काबिल हैं? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे पुट कर देंगे, आपके पास इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ जाएगी या बैलेंस शीट की, जो भी उसने पूछा होगा। ठीक है, इक्वेशन वही यूज होगी, इक्वेशन ही चेंज होगी। इक्वेशन के अंदर पहले उसने हमें फिगर्स दी होती थी और फिर डेज कैलकुलेट करते थे, अब की बार डेज दिए होंगे उसने हमें, रेशो दी होगी और बाकी हमने कैलकुलेट करने होंगे। क्लियर? नहीं समझ आई? नहीं 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 समझ आए। आप अपने नोट्स में देखिए, उसने एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे ना, तो जो लास्ट कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9, सॉरी, उसमें कह रहा है कि रेशोज को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर हो आपके पास तो आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशोज मौजूद हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि फर्ज कीजिए कि आपके पास डेटर्स हैं 3 मिलियन, और जो टर्नओवर रेशो है डेटर्स की, टर्नओवर रेशो वो कितनी है? 90 डेज। ठीक है, क्या आप इससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं जी, बताइए सेल्स की कैलकुलेशन पॉसिबल है इस इंफॉर्मेशन से? कैसे पॉसिबल है? फॉर्मूला यूज करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। जब हमने रेशो कैलकुलेट करनी होती थी, ये फिगर उसने हमें दी होती थी इंफॉर्मेशन में यूज करके कैलकुलेशन कर दे रहे। अब की बार रेशोज दी है और कह रहा है कि मुझे ये वाली फिगर कैलकुलेट करके दो सेल्स की, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल मैथ के रूल को अप्लाई करते हैं, सेल्स इधर है, टर्नओवर रेशो इधर चली जाएगी, ऐसे ही होगा ना। सेल्स इज इक्वल टू डेटर्स कितने हैं? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशो कितने हैं? 90 डे मल्टीप्लाई बाय 365। कैलकुलेट करें, 12.16 मिलियन, ये कैलकुलेट हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स दी गई हो, आप रेशोस कैलकुलेट करने के काबिल हैं? और अगर रेशो दी गई हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर कैलकुलेट करने के काबिल है कि नहीं? इससे आपको इस काबिल बनाया, सेम फार्मूला यूज होगा, जिसमें रखिएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अब ये सिर्फ दो कंसेप्ट रह गए थे, अब हम लेटेस्ट जो आई कैप का पेपर है उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, उसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, आपको क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद होगा, ठीक, इसको आप एक दफा रीड कर लें, बल्कि साथ ही रीड करते हैं, आ जाए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो क्या कह रहा है? कह रहा है डीएल इज इंगेज्ड इन सेलिंग होम डेकोरेशन आइटम्स, होम डेकोरेशन आइटम्स को सेल कर रहा है। डीएल हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स। ये उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, इस इंफॉर्मेशन में एवरेज इन्वेंट्री है, ट्रेड डेटर्स है, एवरेज इन्वेंट्री दी है उसने, ट्रेड डेटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, सेल्स की फिगर दी और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर दी है। इंफॉर्मेशन क्लियर? मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल ये है
क्या आप इसके डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? डेटर्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय। क्या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय, नहीं लेकिन फार्मूला तो क्रेडिटर डिवाइडेड बाय परचेजेस होता है, परचेजेस नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज करेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। कैसे? इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कैलकुलेशन। अच्छा, जब ये तीनों रेशियोस कैलकुलेट कर लिया आपने, इसके बाद क्या आप कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटर्स और इन्वेंटरी को ऐड करना है और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को लेस करना डेज में। ये जेन में रखिएगा, लेस करना नहीं बोलना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक की इंफॉर्मेशन हमें इस काबिल बना रही है कि इसका हम एज इट इज रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर एडलेस करके कैश कन्वर्जन साइकिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कह रहे मैनेजमेंट ऑफ डीएल इज कंसर्न्ड ओवर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दैट इज सेंट्रली मैनेज्ड थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो कह रहा है रोज रोज ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, यानी रोज रोज इन्वेंट्री और डेटर्स का बैलेंस बढ़ता जा रहा है, क्रेडिटर का बैलेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है क्रेडिटर का। ध्यान में रखिए, एज पर अरेंजमेंट्स विद द बैंक डीएल हैज ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ ₹10 मिलियन। डीएल की जो लिमिट है वो 10 मिलियन है। अच्छा मुझे बताइए, अभी के अभी 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 इस सिचुएशन में जो प्रीवियस ईयर का उसने डाटा हमें दिया, लेटेस्ट डाटा दिया, इसमें वर्किंग कैपिटल के अंदर रह के कंपनी काम कर रही है कि वर्किंग कैपिटल से एक्सीड कर लिया? ओवरड्राफ्ट के अंदर रह के काम कर रही है कि ओवरड्राफ्ट को एक्सीड कर रहा है बैलेंस? 10 मिलियन का है ओवरड्राफ्ट, 10 मिलियन का ओवरड्राफ्ट है ना, तो एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा? मुझे तो लग रहा है कर रहा है। 6000 प्लस 7500 तो ये तो यहीं से एक्सीड हो गया। नहीं, माइनस क्राइटर्स भी कर, ठीक है माइनस क्राइटर्स, तो बताए 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा है कि कम है? इसका मतलब विद इन लिमिट है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि बैलेंस बढ़ रहा है। अच्छा, एक और कंसेप्ट को यहाँ पे लिंक कर दो, उसका क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किससे किया जा रहा है? ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी है जो कहती है कि वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म फाइनेंस किसे? जी मॉडरेट भी ये कहती है और एग्रेसिव स्ट्रेटजी भी ये कहती है कि आप अपने रिसोर्सेज जो है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म से मीट करें। क्लियर ये? अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये बताना था हम रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे कह रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रोजेक्टेड दैट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड इंक्रीज बाय 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। एक मिनट आइए, यहां पे For the next year, it is projected that sales, ये अगले साल की बात कर रहा है, ये पिछले साल की बात थी, अगले साल की। For the next year, project sales and cost of sales would increase by 25% and 15% respectively. Sales बढ़ेगी कितने से अगले साल? 25% से। Cost of sales बढ़ेगी अगले साल 15% से। This would result in, अब खुद बताइए सोच के, कि सेल्स बढ़ने से, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ता है। सेल्स बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, सेल्स कम होने से वर्किंग कैपिटल कम होगा। तो सेल्स बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल सेम रहेगा, जो पहले फिगर्स हमने पिछले साल की देखी थी, ये चेंज होगी? चेंज बता रहे आप, और ये जहन में रखिएगा, ऊपर चेंज बता रहा है सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और जो नीचे चेंज बता रहा है वो किसमें बता रहा है? वो किसमें बता रहा है? वो वर्किंग कैपिटल में। कह रहा है एवरेज, दिस वुड रिजल्ट इन एवरेज इन्वेंट्री टू इंक्रीज बाय 30%, एवरेज डेटर्स टू इंक्रीज बाय 20%
एवरेज क्रेडिटर टू इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप नेक्स्ट ईयर की रेशोज कैलकुलेट करें और नेक्स्ट ईयर के कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट करें, नहीं हो सकता? नहीं, ये भाईजान आप कर लेंगे, कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर का नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे। आप बताए कर पाएंगे कैसे करेंगे? नेक्स्ट ईयर की सेल्स कैलकुलेट करेंगे जो पिछले की सेल्स का 25% ज्यादा है, एंड नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे जो 30% ज्यादा, एंड नेक्स्ट ईयर के डेटर्स कैलकुलेट करेंगे जो 20% ज्यादा है, नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर्स कैलकुलेट करेंगे जो 10% ज्यादा है। आपके पास 500 फिगर नेक्स्ट ईयर की आ जाएंगी। वो जो ऊपर उसने 500 फिगर 1, 2, 3, 4, 5 पिछले साल की दी है लेटेस्ट, वो 500 फिगर्स आप नेक्स्ट ईयर की भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन में से जो जो कैलकुलेट आपने कर सकते थे वही सारी चीजें आप अब इस इंफॉर्मेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ठीक है, ये सिर्फ हमने उसको बेस ईयर की उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, इससे हमने नेक्स्ट ईयर की फिगर्स को कैलकुलेट करना, और कुछ भी नहीं करना, बाकी का काम हमारा सेम है। सिर्फ कैलकुलेट करके खत्म नहीं, हम उसके बाद रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हम नेक्स्ट ईयर की डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम नेक्स्ट ईयर की क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम नेक्स्ट ईयर की इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा चले, छोटा सा चलते चलते छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कैलकुलेटर से आप मुझे इस साल की इन डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके बताएं डेज में। नहीं, इस साल की जो पिछला साल बेस ईयर है और फिर उसके बाद जो अगला साल आना है, इसकी डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके दिखाएं डेटर। ठीक है, इसमें से आई कैप की रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है करंट कैलकुलेट करना, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये रफ वर्किंग के तौर पे। इस साल की प्रीवियस ईयर की बेस ईयर की डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगी? डेटर्स 7500 डिवाइडेड बाय 50,000, टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 365 या 54.75 डेज, तकरीबन 55 डेज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 55। ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट क्या है भाई? नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेट करके दिखाओ। इसके लिए नेक्स्ट ईयर की डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर के डेटर, नेक्स्ट ईयर की सेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर के डेटर्स कितने होंगे? 20% से बढ़ जाएंगे, 7500 मल्टीप्लाई बाय 9000। और नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी होंगी? 25% बढ़ जाएगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 62,500। तो 9000 डिवाइडेड बाय 62,500 मल्टीप्लाई बाय 365, 52.56। तो समझ आ गई? सिंपल, हमें इंफॉर्मेशन मौजूद होना हमारे पास, हम कैलकुलेट करने के काबिल हो। रेशोज हमारे बाएं हाथ का काम, इससे एग्री करते हैं? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो, रेशोज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। जी ये पेपर में आया था जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कह रहा है CFO is of the view that DL would not be able to manage its working capital requirement within the bank overdraft limited for the next year. CFO कहता है अगले साल ना हमारा working capital exceed कर जाएगा overdraft से। CFO क्या कह रहा है? अगले साल हमारा working capital overdraft से exceed कर जाएगा। CFO क्या कह रहा है?
अगले साल हमारा वर्किंग कैपिटल ओवरड्राफ्ट से एक्सीड कर जाएगा। कैसे पता चला है सच बोल रहा है कि झूठ? क्या कैलकुलेट करेंगे? अगले साल का वर्किंग कैपिटल, सिंपल। अगले साल का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कितना है, उसे मैच कर लेंगे। 10 मिलियन से कम है, हम कहेंगे झूठ बोलता है। और अगर 10 मिलियन से ज्यादा हो वर्किंग कैपिटल, हम कहेंगे सच बोल रहा है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही होगा। क्या होगा? सीएफओ क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा अगले साल का वर्किंग कैपिटल ओवरड्राफ्ट से एक्सीड कर जाएगा। हम कैसे पता चलाएं? अगले साल का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके। और अगले साल का वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? मैं नहीं बताऊंगा, वो पिछले साल की फिगर दी हुई है, कैलकुलेट कर ले। 30% इंक्रीज के साथ, 20% इंक्रीज के साथ, 10% के साथ, 10% के साथ। यानी हम पता चला सकते हैं सच बोल रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर कह रहे अब उसने कहा कि भाई अगले साल का वर्किंग कैपिटल एक्सीड कर जाएगा। फिर उसने सजेशन भी दी, उसने कहा डीएल को टेक सर्टेन एक्शन टू फॉलो इंडस्ट्री एवरेज रेशियो व्हिच आर गिवन बिलो। वो कह रहा है कि डीएल को इन रेशियो, इंडस्ट्री की जो एवरेज है ना, इनको फॉलो करना चाहिए। यानी इसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए? 50 डेज। और इसका कलेक्शन फिर डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी होनी चाहिए? 45 डेज। और ट्रेड क्रेडिटर्स कितने होने चाहिए? 30 डेज। उसने हमें सजेशंस दे दें कि आपके ये रेशियोज होने चाहिए। क्लियर? अगले साल की उसने अब पिछले वाला भूल जाना आपने, ये अगली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ईयर की उसने सेल्स दी हुई है हमें, नेक्स्ट ईयर की सेल दी हुई है। जब उसने नेक्स्ट ईयर की सेल्स दी थी और नेक्स्ट ईयर के डेटर्स दिए थे, हमने डेज कैलकुलेट कर लिए थे, ऐसे ही। अब नेक्स्ट ईयर की सेल दी हुई है और रेशो दी हुई है, डेज दिए हुए हैं, डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पक्की बात है। ये रेशोस दी हुई है, अगले साल की सेल्स भी दी हुई है, अगले साल के डेटर्स अब की बार नहीं दिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले साल के क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अगले साल के इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो तो उसने दी ही नहीं हुई, वो तो पुरानी पॉलिसी के मुताबिक उसने कहा था 10-30% इंक्रीज होगा। क्या अगर उसने हमें रेशोस दी हो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो सोच के मुझे बताइए, अगर ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास हैं, तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या आप इनसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मौजूद है, इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो मौजूद है, डेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो मौजूद है, क्रेडिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एडलेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि 10 मिलियन से कम है कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन को मुझे बताइए कि क्वेश्चन का ये वाला जो हिस्सा है, सीईओ इज ऑफ द व्यू, इस वाले हिस्से में और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक तो इन दोनों को सर्कल या कोई हाईलाइट कर ले ऐसे ऐसे, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें उसने हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं और हम इनसे रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें उसने रेशियोज दी हुई है और बैलेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए, बात समझ आती है कि नहीं? ठीक है। इसमें अमाउंट्स दी हुई है, रेशियोस डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना होगा। इसमें रेशियोस दी हुई है, अमाउंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना होगा। भाई समझ आई? दोनों में फर्क समझ आ रहा है आपको? अच्छा, आगे अब रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं।
आपने देखा क्वेश्चन को पढ़ के फौरन सॉल्व नहीं करना, पहले 10-15 मिनट पढ़ने पे और एनालिसिस करने पे लगाने हैं, पूछ क्या रहा है, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। पहला कह रहा है डिटरमिंड, आपने मुझसे सिर्फ एक चीज बतानी है, कैलकुलेशन हमें भी कर लेंगे थोड़ी देर में, कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। डिटरमिन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द नेक्स्ट, दिस ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर, जिसने दिस ईयर की बेस पे कैलकुलेशन कर दी वो गया। नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल डेज में होता है कि अमाउंट्स में होता है, कैसे कैलकुलेट होगा? नेक्स्ट ईयर के डेटर्स डेज में कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर्स डेज में कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री डेज में कैलकुलेट करेंगे, एड लेस करेंगे, ऐसे ही है। नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री और क्रेडिटर डेज में कैसे कैलकुलेट होंगे? अब ये कैसे कैलकुलेट होंगे ये भी तो बताएं। आपने कहा नेक्स्ट ईयर के डेटर्स कैलकुलेट करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर की डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे सोचे, पहले सोचे, करके तो दिखाएंगे, पहले सोचे तो सही, आएगी कैसे? नेक्स्ट ईयर के डेटर्स डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर की सेल्स, और नेक्स्ट ईयर के डेटर्स कैसे होंगे उसने बताया हुआ है, इस साल के इतने अगले साल में इतना इंक्रीज आएगा। नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी उसने बताया हुआ है, इस साल की इतनी अगले साल इतनी आएगी। इसका मतलब है जो उसने इस साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको इंक्रीज के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लगा के कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा। एग्री करते हैं? पहले जहन में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जहन में क्वेश्चन भाई ऐसे ही होगा ना, क्योंकि अगर आप ये प्लानिंग किए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, घर में बैठ के हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप फंसे दोबारा कर लिया। एग्जाम में बैठ के एक जगह पे आप रुक जाए ना, फिर उसके बाद पता नहीं चलता सिरा कहाँ पे था और कहाँ पे आके रुके, आगे क्या करना है। तो पहले अपने जहन में पूरी प्लानिंग कर ले कि क्वेश्चन ने किस तरीके से सॉल्व होना है, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, फिर शुरू करना है, चाहे 10-15-20 मिनट लग जाए कोई इशू नहीं है। ये बात समझ आई? मार्क्स भी तो ज्यादा है ना, 10-15 मिनट लगा लें, 20 ना लगाएं, 10-12 मिनट लगा लें, लेकिन पहले सोच के क्वेश्चन पढ़ के, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं, प्लान भी करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरी अप्रोच, आगे चलते हैं। कह रहा है सीएफओ का व्यू पॉइंट बताइए इफ डीएल डज नॉट फॉलो इंडस्ट्री एवरेज। सीएफओ का व्यू पॉइंट क्या था? कि भाई हमारा वर्किंग कैपिटल एक्सीड कर जाएगा, हमारा नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट ईयर का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर का, ये जो इंक्रीज वगैरह दिए ना 30%, 20%, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारा वर्किंग कैपिटल तो गया, वो शूट अप कर जाएगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि वर्किंग कैपिटल वो ओवरड्राफ्ट लिमिट से बढ़ा है? नेक्स्ट ईयर की फिगर से वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर की फिगर्स कौन कौन सी? डेटर्स, डेटर्स इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स। और ये कैसे कैलकुलेट होंगी? उसने पिछले साल की फिगर दी है, इंक्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? यानी अगर डेटर क्रेडिटर वगैरह को एज इट इज ऐड कर लें, एड लेस कर लें, वो वर्किंग कैपिटल आ जाता है, और अगर फार्मूला यूज करें डेज में कन्वर्ट करके, वो कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाता है। वर्किंग कैपिटल में और कैश कन्वर्जन साइकिल में तो फर्क है ना, ऑपरेटिंग साइकिल में फर्क। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट कैसे सॉल्व करनी है हमें पता चल गया। अब इफ डीएल फॉलोज इंडस्ट्री एवरेज रेशियो, कह रहे फिर बताओ के सीएफओ कह रहे हाँ, अगर इंडस्ट्री एवरेज रेशियो फॉलो ना करोगे वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर इंडस्ट्री एवरेज रेशियो कैलकुलेट करोगे वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ेगा। अब ये कैसे साबित करेंगे कि इंडस्ट्री एवरेज रेशियो यूज करें तो वर्किंग कैपिटल लोन से नहीं बढ़ेगा? हम इसके लिए कंपेयर करेंगे ओवरड्राफ्ट को नेक्स्ट ईयर के वर्किंग कैपिटल से, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज वाला वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा इंडस्ट्री एवरेज वाला? डेज दिए तो क्या करेंगे इनका? डेज से डेज को अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे? डेटर टर्नओवर रेशियो दिए हैं
इसको डेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्रेडिट टर्मिनेशन को क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, इन्वेंटरी टर्मिनेशन को इन्वेंटरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर एडलेस करेंगे, ऐसे ही होगा। डेटर टर्नओवर रेशियो से डेटर कैसे कैलकुलेट होंगे? फार्मूला, डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज में इज इक्वल टू डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स। इस फार्मूले में अगर आप डेटर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो आपको टर्नओवर रेशियो चाहिए। कहां से आएगी? वो दी हुई है। अगर आप इस फार्मूले से डेटर कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको सेल्स की फिगर चाहिए। वो किधर की मैंने? अच्छा, वो पिछले साल वाली। इंक्रीज करके फिर से सोच लें कि आप इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे। फौरन से लिखना शुरू कर दें, सोच लें। उसने कहा है नेक्स्ट ईयर का ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करें? नेक्स्ट ईयर की डेटर्स इन्वेंटरी क्रेडिटर्स की फिगर कैलकुलेट करेंगे, एडलेस कर देंगे। फिर उसने कहा नेक्स्ट ईयर में हमारा जो वर्किंग कैपिटल है ये एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड कर जाएगा कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट ईयर की डेटर्स को कैलकुलेट, अब डेज रेशो नहीं, डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंटरी को कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करके एडलेस करेंगे, नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। लोन के साथ कंपेयर कर ले। फिर कह रहा है अगर इंडस्ट्री एवरेज रेशियो फॉलो करें फिर वर्किंग कैपिटल एक्सीड नहीं करेगा। अब ये कैसे साबित होगा कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इंडस्ट्री एवरेज को यूज करते हुए, ठीक है? और उसमें डेटर्स कैसे कैलकुलेट, डेटर्स लैदा कैलकुलेट होता है, क्रेडिटर लैदा, इन्वेंट्री लैदा, डेटर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? डेटर टर्नओवर रेशियो से। शाबाश, सेल्स की फिगर कहां से आएगी? सारा स्ट्रक्चर आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से शुरू होगा, कहां पे जाके खत्म होगा, ये सोचना है पहले आपने, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। क्लियर? क्वेश्चन पूरा समझ आ गया? एंड वाले वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हम एंड में कर लेंगे, ठीक है? ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम एंड में कर लेंगे। स्ट्रेटजीज आपको पता पूछता होता है। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए, सबसे पहले अब आपके पास ये पेज है, मैं इसका व्यू एक ही पूरा क्वेश्चन जो है ना एक ही व्यू में ला रहा हूं, इसका साइज स्मॉल हो जाएगा लेकिन आपके पास पेज है ना, मैं इसलिए कि मैंने साथ साथ कंपेयर करवाना है आपको ये चीज इधर, यहां ऐसा करते हैं रिक्वायरमेंट को छुपा लेते हैं, बाकी चीजें दिखा देते हैं, ठीक है? चलें ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लेते हैं। ये फिगर है, इस फिगर से हम, ये उसने इस साल की फिगर दी है ना, बेस ईयर की, लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, यानी जो रिसेंटली हो गए, नेक्स्ट ईयर नहीं। हम चाहते तो इस साल की भी रेशोज कैलकुलेट कर सकते थे, हम चाहते तो इस साल का भी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन नहीं पूछा उसने, तो नहीं करेंगे। ये जहन में रखिएगा, जो वर्किंग कैप, जो रेशोज है वो डेज में है और वर्किंग कैपिटल अमाउंट्स में है। बताइए जरा इस साल का वर्किंग कैपिटल कितना है, जो उसने नहीं पूछा क्वेश्चन में, और ये विद इन ओवरड्राफ्ट लिमिट है कि नहीं? 9.7, शाबाश, विद इन ओवरड्राफ्ट लिमिट। लेकिन वो कह रहा था कि अब हमने नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करनी है, ये साल तो गुजर गया, नो प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट ईयर में हमने क्या करना है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट ए में डिटरमिन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट होगा पहले सोच ले। डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो डेज में, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेज में, डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज में, और इसका फॉर्मूला क्या है? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो डेज में फार्मूला क्या है? इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाई 365। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेज में फार्मूला क्या है? क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेसेस मल्टीप्लाई 365। तो यही है, तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा। डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, नेक्स्ट ईयर के डेटर्स कितने होंगे?
नेक्स्ट ईयर के डेटर्स कितने हो गए, आपकी इतनी फिगर एक दूसरे से मैच नहीं करते, खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर के डेटर्स हैं इस साल के हैं 7500, नेक्स्ट ईयर के हैं 20% ज्यादा, तो नेक्स्ट ईयर के होंगे 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूं ना, डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है, 50,000, नहीं नहीं 50,000 को इंक्रीज करना है 25% से, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये डेटर्स, नेक्स्ट ईयर के डेटर, इस साल के डेटर, नेक्स्ट ईयर के डेटर्स, इस साल की सेल्स, नेक्स्ट ईयर की सेल्स, अब फिगर आगे, नेक्स्ट ईयर के डेटर डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर की सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, अब बताइए कितना आया आंसर, 53 डेज, बताइए इसके ऊपर है, पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स में लिखना चाहे पॉइंट्स में राउंड ऑफ करना चाहे, क्लियर। अब क्या करना है, नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, वो कैसे होगी, नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स और मल्टीप्लाइड बाय 365, नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री कितनी है, 6000 × 1.3 का है 30% इंक्रीज है, 6000 × 1.3, ये नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री आ गई, दिस ईयर इन्वेंट्री, नेक्स्ट ईयर इन्वेंट्री, अब डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, भाई क्लियर हुआ, नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट की, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 15% जो उसने इंक्रीज करवाया, ये है 35,000 डिवाइडेड बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 365, 71, चले इतवार कर रहा हूं आपने 71, फिर भी कर लो क्या तो सही रहे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 7800 डिवाइड किया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3500 × 1.15 मल्टीप्लाई बाय 365, हाँ जी 70.73 तकरीबन, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर के परचेजेस, लेकिन परचेजेस नहीं दी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर कितने हैं, 10% से इंक्रीज होना है, 3800 नहीं है, नहीं बल्कि 3800 मल्टीप्लाई बाय 1.1 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऊपर कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई बाय 1.15 × 360, कैलकुलेशन समझ आ रही है, दिस ईयर की फिगर को मल्टीप्लाई कर दिया उसने इंक्रीज दिया, नेक्स्ट ईयर की फिगर आ गई, बाकी फॉर्मूला तो हमने पहले समझा हुआ, ये कितने आ गए 38 और ये नेगेटिव है, अब टोटल कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 53 + 71 − 86 डेज, 86 डेज, क्लियर हो गई ये चीज, भाई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, आगे चले, यहां तक इश्यू तो नहीं है, अब इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि सीएफओ ने कहा है अगले साल तो हमारा वर्किंग कैपिटल फर्क हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट से एक्सीड कर जाएगा, बताओ क्या अगर हम इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो नहीं करते, यानी एज इट इज सिचुएशन में रहते हैं, बताओ क्या वर्किंग कैपिटल एक्सीड करेगा कि नहीं, कैसे पता चलाएंगे,
कैसे पता चलाएंगे कि अगले साल का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? ये अगले साल की फिगर्स हमने कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर के डेटर्स, इन्वेंटरी, क्रेडिटर की फिगर चाहिए। वो किधर पड़ी है? ये नेक्स्ट ईयर का डेटर, नेक्स्ट ईयर का इन्वेंटरी माइनस नेक्स्ट ईयर का क्रेडिटर, भाई ये नहीं है वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेट करके देखिए, नेक्स्ट ईयर के डेटर्स मल्टीप्लाई करते 7500 इंटू 1.2, ये आ गया। ये क्या आया? ये क्या आया 7500 इंटू 1.2? क्या आया? नेक्स्ट ईयर के डेटर्स 6000 इंटू 1.3, ये क्या आया? नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री माइनस ये क्या आया 3800 इंटू 1.1। नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर, ये वर्किंग कैपिटल कितना आया 12.62। इसका मतलब है 10 मिलियन से तो ये इंक्रीज कर गया। सीएफओ सच बोल रहा है कि अगर हमने इसी तरीकाकार के मुताबिक कैलकुलेशन करते रहे, काम करते रहे, तो फिर एक्सीड कर जाएगा। अब हमसे फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप ये वाली रेशोज को यूज करो, ये वाली रेशोज को यूज करोगे, यानी होल्डिंग पीरियड 50 डेज रखोगे, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड 45 डेज, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड 30 डेज रखोगे, तो फिर विद इन लिमिट रहोगे। यानी इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर को चेंज करो, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स वही रहने दे। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज नहीं होंगी भाई। एक तो इनको विद इन लिमिट रखने का तरीका है ना, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर दे, वो कौन सा पागल बिजनेसमैन करेगा? तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स वही है, लेकिन ये फिगर्स यूज कर लेना। अब हमने क्या बताना है कि क्या इन फिगर्स को यूज करते हुए वर्किंग कैपिटल ओवरड्राफ्ट लिमिट रहता है कि नहीं रहता? ठीक है, यहां पे हमने डेज कैलकुलेट किए थे, अब यहां पे हम क्या कैलकुलेशन कर रहे होंगे? अमाउंट्स। ठीक है, अब ये कैसे साबित होगा कि वर्किंग कैपिटल ओवरड्राफ्ट एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? नेक्स्ट ईयर के डेटर्स से नेक्स्ट ईयर क्रेडिटर, नेक्स्ट ईयर की, भाई पहले भी हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया, वो तो आसान था, वो तो उसने खुद से डेटर्स की फिगर दे के बताया था इतना इंक्रीज होगा। अब कैसे डेटर्स कैलकुलेट करें? उसने तो दिए नहीं हुए, रेशोज गिवन है, रेशोज यूज करें और डेटर्स कैलकुलेट करें। नेक्स्ट ईयर का डेटर आप करें 7705, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं एक दफा अपने हाथों से कर लूं। कंसेप्ट है, हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा डेटर्स से, इन्वेंटरी से, क्रेडिटर्स से। मैं पहले डेटर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। डेटर्स, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगी? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अब मुझे उसने डेज दिए हुए हैं, से क्या कैलकुलेट करना है? डेटर्स कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन हमारी बनती है, डेटर्स को उसी रहने दो, रेशोज से मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स को डिवाइड कर दो 365। भाई ऐसे ही होता है ना,
मैथ भी ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लाइड। तो रेशियो कितनी है डेटर्स की? 45 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स कितनी है नेक्स्ट ईयर की? नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। नेक्स्ट ईयर की सेल्स इतनी है ना, ये कितनी आती है? 6 to 5 00। तो ये 45,000 45 days मल्टीप्लाई बाय 6 to 5 00 डिवाइडेड बाय 365 कितना आया? 7705। ये हमारा क्या है वाला, ये फिगर डेटर्स, इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करते हुए डेटर्स 7705। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये डेज में है, ये डेज में है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये डेटर टर्नओवर रेशियो है, ये डेटर्स हैं। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से क्रेडिटर्स भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, भी ऐसे कर लेंगे, क्रेडिटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। और कैलकुलेशन करने के लिए रेशियो कितनी दी हुई है? इन्वेंट्री की वैल्यू कर लेते हैं, इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई थ्री, नहीं दोबारा पूरा फार्मूला दोबारा लिखता हूं, ऐसे नहीं डायरेक्ट होगा ना तो आप कहेंगे पता नहीं कहां से आ गई फिगर्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मतलब 365। अब इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, ये टर्नओवर रेशियो 50 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करें 35,000 × 1.15 और डिवाइड किससे करना है, ये 5513.69 आ रहा है, 5514 आ जाएगा बे, ठीक है 5514। अब क्या करना है नेक्स्ट ईयर के, अब फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय ये इधर कर, अच्छा इधर डिवाइडेड बाय परचेजेस होना चाहिए था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में परचेजेस नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल्स को, अब क्रेडिटर्स इधर ही रह जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 365 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी क्रेडिटर्स की फिगर आएगी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स जो के है 35,000 × 1.15 डिवाइडेड बाय 365 3308। तो ये आ गया हमारा 3308 नेगेटिव, और ये कितना वर्किंग कैपिटल आया? 9911 जो कि 10 million से कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी। अब जरा फिर से बताइए उसने इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने क्वेश्चन में हमें बेस ईयर की इंफॉर्मेशन दी और हमें कहा नेक्स्ट ईयर के रेशोज कैलकुलेट करो और मुझे ऑपरेटिंग साइकिल ऐड करके बता दो कितना। स्टेप नंबर वन में क्या किया उसने, हमें बेस ईयर की इंफॉर्मेशन देके कहा नेक्स्ट ईयर की रेशोज कैलकुलेट करो और कैश ऑपरेटिंग साइकिल मुझे बता दो एडलेस करके कितना। फिर उसने क्या पूछा अगली रिक्वायरमेंट के, कि अगर अगले साल में हम इसी पॉलिसी के मुताबिक रहते हैं तो वर्किंग कैपिटल आउट हो जाएगा, तो उसमें हमने क्या किया नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल अमाउंट्स में कैलकुलेट किया, अमाउंट्स में, डेज में नहीं अमाउंट्स में। अच्छा फिगर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी जो ऑपरेटिंग साइकिल में हमने यूज की, हमने सिर्फ अब फिगर्स को एडलेस करके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया जो कि एक्सीड कर रहा था। फिर तीसरे नंबर पे उसने क्या कहा, उसने कहा इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करें फिर वर्किंग कैपिटल क्या होगा।
हमने कहा इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो कर लेते हैं। अब इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करते हुए वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है इंडस्ट्री रेशियो को यूज करते हुए अमाउंट कैलकुलेट होगी, इंडस्ट्री की डेटर टर्नओवर रेशियो को यूज करते हुए डेटर्स की अमाउंट कैलकुलेट होगी, इंडस्ट्री की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हुए यूज करते हुए इन्वेंट्री की अमाउंट कैलकुलेट होगी, इंडस्ट्री की क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो यूज करते हुए क्रेडिटर्स की अमाउंट कैलकुलेट होगी कितनी है, उसको एडलेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रैक्टिस। भी क्लियर हुआ ये कि क्या पूछ रहा है? सिर्फ कैलकुलेशन नहीं ठगा ठग, बल्कि कंसेप्ट पहले प्लान कर लेना है, पूछ क्या रहा है, कैसे लेके चलना। एंड में कह रहे हैं लिस्ट डाउन एनी टू एक्शन दैट मैनेजमेंट ऑफ डीएल मे टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ इट्स कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कहता है फर्ज करें कि इंडस्ट्री की रेशियोज कम है, इंडस्ट्री तो बताइए हम ऑपरेटिंग साइकिल को रिड्यूस करना चाहते हैं, कोई से दो एक्शन बताएं, कोई से दो एक्शन बताएं, डेटर को बढ़ा दे के कम कर दे, कम कर दे, इन्वेंट्री को बढ़ा दे कम कर दे, क्रेडिटर को बढ़ा दे, हाँ क्रेडिटर को बढ़ा दे, तो ये स्ट्रेटजी। अब इनके रिस्क भी क्या है, आप इनको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स को रिड्यूस कर दिया जाए बाय अलाउइंग डिस्काउंट या बाय रिड्यूसिंग क्रेडिट पीरियड, ठीक है। हाँ अच्छा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वन बाय वन, पहले मुझे बताइए डेटर्स टर्नओवर रेशियो, सॉरी डेटर्स, डेटर्स का अगर हम कम करते हैं लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में कम करते हैं, इसका क्या नुकसान होगा, सेल्स कम हो जाएंगी, सेल्स कम हो जाएगी, ठीक है, और हमें डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा डेटर्स को, ये कहने के लिए कि जल्दी पेमेंट कर दें जिससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, बस ये ठीक है। दो तीन रिस्क बता दिए हमने, हमने कहा सेल्स कम हो जाएगी, हमने कहा डिस्काउंट देना पड़ेगा और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर सॉरी इन्वेंट्री में जाए, बताइए इन्वेंट्री के टर्नओवर रेशियो कम करने का, होल्डिंग पीरियड कम करने का क्या रिस्क है, स्टॉक उड़ सकता है, स्टॉक आउट रेशियो हो जाएगी जिससे हम ऑर्डर को मेड नहीं कर सकेंगे, इसमें ये रिस्क है। और उसने पूछे दो ही हैं, टू एक्शंस, ठीक है, हाँ जी, तो नहीं एक तीसरा भी कर लेते हैं, चलते नहीं है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को बढ़ाने का क्या नुकसान है, डेज में क्रेडिटर पेमेंट डिले करने, पेमेंट डिले करना ही होता है ना, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बढ़ाने का तो पेमेंट डिले, इसका क्या नुकसान है, क्रेडिटर्स हमारी रेपुटेशन इफेक्ट हो सकती है, क्रेडिटर्स हमें डील करने से मना कर सकता है, फर्दर डिस्काउंट जो हम रिसीव किया करते थे पेमेंट्स पे वो नहीं मिलेगा, क्लियर होगी ये बात। अब मुझे ये बताइए ओवरऑल ये क्वेश्चन इसमें सिर्फ एक ही स्किल यूज हुई है, क्या आपको वर्किंग कैपिटल की रेशियोज कैलकुलेट करना आती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की रेशियोज और रेशियो फिगर से रेशियोज और रेशियो से फिगर्स कैलकुलेट करने के काबिल हो, क्लियर। अच्छा घर जाके आपने ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन एक दफा, लेकिन पहले सोचना है ये क्वेश्चन को स्टार्ट से लेके एंड तक आप कैसे लेके चलेंगे, सोचना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम, अब ये वर्किंग कैपिटल का टॉपिक खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट अपना कोई न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ने सजेशन दी थी सर बजटिंग की जो हमारी कोई प्रैक्टिस अभी पेंडिंग है ना वो करवा दें, क्योंकि बजटिंग में हमारा टॉपिक जरा वीक है, तो फिर कल से हम बजटिंग के जो रिमेनिंग हमारी प्रैक्टिस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है, अगले तीन चार लेक्चर में फिर हम बजटिंग का रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है कुछ गैप के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है मे बी कंसेप्ट आपके जहन से निकल गए हो, क्विकली रिवाइज भी करेंगे और फिर बजटिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे।
आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो क्विज में हिस्सा लिया था जो लाइव हुआ था हमारा, उनका प्राइज अगर है तो वो कलेक्ट कर लें स्क्रीनशॉट को दिखाते हुए। चलिए आज आपने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यही क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, लेकिन सोच के पहले सोच लेना सारा स्टार्ट से लेके एंड, और फिर बजटिंग के कंसेप्ट को रिवाइज करके आइएगा कल, बजटिंग के कंसेप्ट को कल रिवाइज करके। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।